हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कमेटी के बारे में जो कि हमारे पार्लियामेंट में जानने के लिए हमें बहुत अहमियत रहता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत जरूरी होता है। कैबिनेट कमेटी, ज्यादातर हम हर वक्त सुनते होंगे कैबिनेट कमेटी के बारे में, कैबिनेट का ये फैसला रहा, कैबिनेट का ये डिसीजन रहा। तो कैबिनेट कमेटी होता क्या है और आज के डेट में हमारे भारत में कितने कैबिनेट कमेटी हैं और पार्लियामेंट में ये जो कैबिनेट कमेटी है इसके हेड कौन करते हैं और कब कब ये कमेटी बनाया गया है, इसके बारे में टोटल हम आज डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली ये जो कैबिनेट कमेटी है इट इज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, मतलब कि ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इट इज नॉट मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। हमारे संविधान में कोई कैबिनेट कमेटी का शब्द का ये जो बोलते हैं कि हमारे संविधान में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो ये जो बोलते हैं कि पार्लियामेंट में काम काज को देख के रूल्स ऑफ बिजनेस प्रोवाइडर फॉर देयर एस्टेब्लिशमेंट, रूल ऑफ बिजनेस को पार्लियामेंट के काम काज को देख के इसके तहत कैबिनेट कमेटी बनाया गया। ये जो है हमारा कैबिनेट कमेटी इज डिवाइडेड बाई टू टाइप्स। पहला है स्टैंडिंग कमेटी, दूसरा है हमारा एडहॉक कमेटी, जो कि हम सुनते होंगे स्टैंडिंग कमेटी के बारे में। स्टैंडिंग कमेटी है क्या और एडहॉक कमेटी, तो हम पहले एडहॉक को देख लेते हैं क्योंकि एडहॉक को समझ जाएंगे तो स्टैंडिंग को समझ ही जाएंगे। एडहॉक कमेटी ऐसा है, इट डील्स विद द स्पेशल प्रॉब्लम्स, मतलब कि कभी कभी अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ उसके हिसाब से एडहॉक कमेटी गठन किया जाता है, जो कि स्टैंडिंग कमेटी ये जो हर साल गठन होता ही रहता है, ये जो बोलते हैं कि कंपलसरी है। लेकिन एडहॉक कमेटी इट इज अ टेम्पररी। एडहॉक कमेटी क्या है, सेट अप बाय प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द एक्सिजेंस टाइम एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन और वक्त को हालात को देख के एडहॉक कमेटी गठन किया जाता है, जो कि स्टैंडिंग कमेटी नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट है, ये हर साल बदलता रहता है, लेकिन एडहॉक कमेटी किसी एक सिचुएशन और टाइम को देख के बनाया जाता है। जो हमारे कैबिनेट कमेटी है उसमें जो बोलते हैं कितने मेंबर्स होते हैं, करीबन 8 मेंबर। पहले ये 3 थे लेकिन जो बोलते हैं अभी 8 मेंबर्स रहते हैं और आठों के आठों कैबिनेट मिनिस्टर ही होते हैं और अलग नहीं होते। दे आर नॉट द इंक्लूड द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ सब्जेक्ट कवर्ड देम द बट ऑल्सो इंक्लूड द सीनियर मिनिस्टर, मतलब कि वो कैबिनेट रैंक के ही होते हैं और जो बोलते हैं नीचे लेवल के नहीं होते, जो कि 8 मेंबर होते हैं, जो कि मोस्टली हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो कि हमारे हेड करते हैं कैबिनेट कमेटी के ये को, जो प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। कभी कभी हमारे होम मिनिस्टर भी करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी करते हैं और भी मिनिस्टर करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस प्राइम मिनिस्टर ही कैबिनेट कमेटी का हेड करते हैं। तो अगर देखा जाए कैबिनेट कमेटी का एक्चुअली काम क्या है, कैबिनेट कमेटी क्या है होता है कि कोई भी एक पॉलिसी बना, कोई भी रूल बना, उस रूल एंड पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ये कैबिनेट कमेटी काम करता है, विचार विमर्श करता है, उनके बीच जो बोलते हैं डिस्कशन होता है, जिसका कि हेड प्राइम मिनिस्टर करते हैं, कभी कभी होम मिनिस्टर भी, कभी कभी फाइनेंस मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर भी ये करते हैं। तो जब इसका बात आता है तो देखा जाता है कि कैबिनेट कमेटी भारत में कितना है, तो 1993 में 1994 में कैबिनेट कमेटी टोटल थे हमारे 13 थे, जबकि पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे उस वक्त पे कैबिनेट कमेटी 13 कैबिनेट कमेटी बनाया गया था। वो 13 कैबिनेट कमेटी अगर देखा जाए क्या क्या है, वो 13 कैबिनेट कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑफ द पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑफ द नेचुरल कैलामिटी, जो कैलामिटी होता है आज के डेट में हम डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में सुनते होंगे इसके ऊपर, कैबिनेट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट अफेयर्स, पार्लियामेंट्री जो संसद का कार्य प्रणाली है उसके ऊपर, कैबिनेट कमेटी ऑफ द कैबिनेट जो कि अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, जो कि आज के डेट में अपॉइंट करता है कि पब्लिक सर्विस में जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, बैंकिंग में जो डायरेक्ट जो बोलते हैं कि हमारे चेयरमैन इन सबको जो बोलते हैं अपॉइंट करते हैं, ये अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट ये करते हैं, एसीसी जो बोला जाता है। फिर आता है कैबिनेट कमिटी ऑफ द एकोमोडेशन, कैबिनेट कमिटी ऑफ द फॉरेन अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑफ द ड्रग एब्यूज कंट्रोल, कैबिनेट कमिटी ऑफ द प्राइसेस, माइनॉरिटी वेलफेयर, ये जो है इकोनॉमिक अफेयर्स, ट्रेड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये है टोटल जो बोलते हैं कि 13। 13 को अगर हमें याद रखने अगर पॉइंट में देखेंगे, अगर याद कैसे करें कि पॉलिटिकल अफेयर्स पहला है कि पॉलिटिकल अफेयर्स तो होगा ही, दूसरा है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट तो हम करेंगे ही, व्यापार तो करेंगे ही, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तो कमेटी बनेगा ही कैसे, तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कमेटी हमें चाहिए ही चाहिए, इकोनॉमिक अफेयर्स क्योंकि एक देश चल रहा है तो अर्थनीति के ऊपर एक
मामला हो सकता है, इसके ऊपर भी कमेटी, तो ये टोटल जो बोलते हैं 13 कमेटी है। ये 13 कमेटी को बाद में 2013 में बढ़ाकर और 10 कमेटी को मिला दिया गया, जो कि टोटल है फिर 13, 10, 23 हो गया। कैबिनेट कमेटी ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑफ द प्राइसेस पॉलिटिकल अफेयर्स, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट सिक्योरिटी वर्ल्ड ट्रेड मैटर्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए यूएडीआईए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड एकोमेंडेशन, इन सब के ऊपर भी एक एक कैबिनेट कमेटी बनाया गया, जो कि 10 कैबिनेट, 13, 10, 23। फिर 2019 में और 8 बनाया गया, जो कि आज के डेट में 31 कैबिनेट कमेटी ये रहता है। तो कैबिनेट कमेटी ऑफ द पॉलिटिकल अफेयर्स, फिर कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट सिक्योरिटी, पार्लियामेंट अफेयर्स, ये सब जो बोलते हैं कि टोटल आज के डेट में 8 कैबिनेट कमेटी 2019, 2013 में 10 और 1994 में 13 कैबिनेट कमेटी बना था। ये था टोटल कैबिनेट कमेटी के डिटेल्स के बारे में, कौन कौन से ईयर में, 94 में 13, 2013 में 10 और 2019 में 8, ये हमें याद रखना है। फंक्शन क्या है कैबिनेट कमेटी का? एक्चुअली जब फंक्शन के बारे में बात करते हैं, हम पहले पॉलिटिकल अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स जो है पहला पॉइंट, पॉलिटिकल अफेयर्स डील जितना भी डील करता है पब्लिक पॉलिसी रिलेटेड स्कीम जो ये है हमारा डोमेस्टिक एंड फॉरेन अफेयर्स के रिलेटेड ये करता है, ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का ये काम है। दूसरा है इकोनॉमिक अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स डायरेक्ट एंड द कोऑर्डिनेट्स द गवर्नमेंट एक्टिविटी इन द इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर, इकोनॉमिक के ऊपर, इकोनॉमिक स्पेयर में, मतलब कि इकोनॉमिक के ऊपर जितना भी आता है इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी संभालता है। फिर आता है अपॉइंटमेंट कमेटी, अपॉइंटमेंट कमेटी जो कि आज के डेट में हम एक जानते होंगे कि अपॉइंटमेंट कमेटी क्या है, कि हायर लेवल का अपॉइंटमेंट जो होता है सेंट्रल लेवल में, जो कि किसी को ONGC का डायरेक्टर बना दिया जाता है, जैसे संबित पात्रा बने थे, ये अपॉइंटमेंट कमेटी डिसाइड किया था कि ये बनेंगे, जैसे कि बैंक के कोई चेयरमैन बनेंगे, ये अपॉइंटमेंट कमेटी डिसाइड करेगा। फाइनेंशियल सेक्टर में, बैंक्स में, एंटरप्राइजेस में, ये सब का काम जो है अपॉइंटमेंट कमेटी डिसाइड करता है कि कौन क्या बनेगा। और एक है पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इन सब में तो जो बोलते हैं मोटा मोटी तौर पे देखा जाए पार्लियामेंट्री अफेयर्स का जो बोलते हैं कि मोस्ट पावरफुल कमेटी माना जाता है टोटल कमेटी में। मोस्ट पावरफुल कमेटी कौन सा है? पार्लियामेंट्री अफेयर्स। क्यों? इसके जो बोलते हैं जो हेड होते हैं वो जो हमारे होम मिनिस्टर ही करते हैं, बाकी ये जो इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री, फिर आया कि पॉलिटिकल अफेयर्स और हमारे अपॉइंटमेंट कमेटी, इन तीनों के हेड प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं, लेकिन ज्यादातर प्राइम मिनिस्टर, नहीं तो फाइनेंस मिनिस्टर, नहीं तो होम मिनिस्टर, नहीं तो अदर मिनिस्टर भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। लेकिन पार्लियामेंट्री अफेयर्स में अगर देखा जाए तो हमारे होम मिनिस्टर ही इसके हेड रहते हैं, जो कि हमारे जो चलेगा कमेटी रिक्वेस्ट आफ्टर द प्रोग्रेस टू द गवर्नमेंट बिजनेस इन द पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट के ऊपर डेवलप होने के लिए ये डिसाइड होता है पार्लियामेंट्री कमेटी में। तो अगर हम बात करेंगे, देखते हैं, अगर ये पार्लियामेंट्री कमेटी जो है कुछ ग्रुप्स ऑफ मिनिस्ट्री को लेके बनता है, देखिए 3 से 8 ये ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री के ऊपर, जो कि हमारा सेकंड ARC है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, जो कि 2005 से 9 तक ये एक रिपोर्ट सबमिट किया। इसमें बोला गया, फॉलोइंग द ऑब्जर्वेशन एंड रिकमेंडेशन विद रेस्पेक्ट टू द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री, जो कि गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री में क्या क्या काम कैसे होना चाहिए इसके ऊपर जो बोलते हैं कि ये बोला गया, द कमीशन ऑब्जर्व, जो कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है जो सेकंड ARC है, वो ये जो बोलते हैं कि देखा कि क्या किया कि गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री जो है कि बीइंग एबल टू मीट रेगुलर कंप्लीट टू देयर वर्क लीडिंग सिग्निफिकेंट डिले, जो कि कुछ स्कीम होता है, कुछ प्रोजेक्ट होता है, इसमें जो बोलते हैं डिले होता है, इसको जो बोलते हैं जल्दी किया जाए, मेजर इशू को जो बोलते हैं जल्दी किया जाए। और एक पॉइंट में भी ARC बोला कि जो गवर्नमेंट के जो हमारे मिनिस्ट्री है, पार है गवर्नमेंट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हैं, जो हमारे जो कैबिनेट कमेटी में जो आठ जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो हैं, ये जो बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन के हिसाब से एग्जीक्यूटिव के साथ कोऑर्डिनेट करके अच्छे से काम करें, ये सब जो बोलते हैं कि सुझाव था। तो ये जो हमारे कैबिनेट को, पार्लियामेंट को रन करने के लिए भी इजी होगा। तो ये था टोटल जो बोलते हैं कि हमारे कैबिनेट कमेटी के ऊपर। इमरजेंसी कमेटी, एक जो बोलते हैं कि कमेटी ऐसा भी बना था जो कि वार के वक्त पे बना था, 1962 के चाइना के वार के वक्त जो कि इमरजेंसी कमेटी जो सेटअप हुआ था। अब फिर उसके बाद जो बोलते हैं कि जब वार खत्म हो गया, फिर उसके बाद आज ये हमारा ये खत्म कर दिया गया। तो ये जो एडहॉक कमेटी रहा, जो कि आज के डेट में 2019 में 8 कैबिनेट कमेटी रन करते हैं, ये रहा। 1993 में 13 क्यों थे? इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था। 2000 में भी बहुत सारा चेंजेस आया था, 2000-2003 के करीब ये बहुत सारा चेंजेस आया था, इसीलिए
2013 में भी बहुत सारा इकोनॉमिक, हमारा 2007 में देखे फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुआ था, 2013 में अगर देखा जाए तो इसीलिए 10 कमेटी बना था, पहला 13 फिर 10 और जो बोलते हैं आज के डेट में हमारे भारत में 8 कैबिनेट कमेटी हैं 2009 में, 19 के हिसाब से देखेंगे तो ये और 8 कैबिनेट कमेटी है टोटल अगर देखेंगे, 93 में 13, ये रहा कि 2013 में 10 और 2019 में 8, ये रहा कैबिनेट कमेटी के ऊपर टोटल डिस्कशन। मेनली क्वेश्चन आएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कौन हेड करते हैं इसके, जो बोलते हैं कि कौन कौन सा कमेटी है और पार्लियामेंट्री अफेयर्स ये सबसे स्ट्रांग कमेटी कौन सा है, ये सब क्वेश्चन में आएगा। और चाइना वार के वक्त पे कौन कौन सा कमेटी बनाया गया था और इसे क्यों कोलैप्स कर दिया गया था, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कैबिनेट कमेटी के ऊपर। और अगर कोई भी कमेटी के ऊपर रिकमेंडेशन के ऊपर लिखना है तो सेकंड एआरसी का रिपोर्ट, ये रिकमेंडेशन में कैबिनेट कमेटी के रिफॉर्म्स के बारे में ये आया था। थैंक यू।